गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एपीएस स्कूल कठोमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, जिसे आपको अच्छे से करना है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक टफ चैप्टर है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें। वैसा ही अब जो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल आप बनते हैं इसमें से अच्छे, तो इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसका आज इंट्रोडक्शन मान लो, काफ़ी कुछ पढ़ना है इसमें अपन को। अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ना है, अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कोटि, और अभिक्रिया वेग के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनके लिए समाकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, ये सभी अपन को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं रासायनिक बल गति की, केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में बात करूंगा। रासायनिक बल गति की, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की क्या है? भौतिक रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग, उनकी क्रियाविधि तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, उस वेग को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसकी क्रियाविधि आ गई, मतलब अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का, किन कारकों पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, इन सब चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को ही अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गति की। तो भौतिक रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन की वह शाखा, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि एवं वेग को प्रभावित, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गति की कहलाती है, रासायनिक बल गति की कहलाती है। ठीक है भाई, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है? रासायनिक बल गति की, केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए अगला अपना टॉपिक आता है कि अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? गति के आधार पर, गति के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, देखो गति के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है, तीन भागों में बांटा गया है,
एक तो वो अभिक्रिया है जो बहुत तेजी से होती है, फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। एक होती है आपकी अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया है, और एक होती है मंद या मध्यम गति की अभिक्रिया है, सामान्य वेग अभिक्रिया। तो तीन प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में सेकंड से भी कम समय लगता है, मतलब ये 10^-12 से 10^-14 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। क्रियाकारक और उत्पाद को लिया और मिलाते के साथ ही, जैसे आपने सॉरी क्रियाकारकों को लिया और मिलाया, उत्पाद बन गया, टाइम ही नहीं लगता, सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। जैसे आप HCl और NaOH को लो, NaOH का विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें HCl को मिलाओ, मिलाने के साथ ही नमक और पानी बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनको मतलब पूर्ण होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, ठीक है ना, तो वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में सेकंड से भी कम समय लगता है। तीव्र गति की अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। ये सामान्यतः 10^-12 से, ये सामान्यतः 10^-12 से 10^-14 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। यानी कि अगर अपन उदाहरण देखें तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया उदासनीकरण अभिक्रिया है, एसिड बेस रिएक्शन। अभी बताया ना NaOH और HCl को मिलाते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया, या इसको उदासनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, उदासनीकरण की अभिक्रिया है। दूसरा आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक यौगिकों के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। आयनों के मध्य जो अभिक्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रिया है। तो आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, आयनों के मध्य जो अभिक्रियाएं होती है वो। ठीक है भाई, ये अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रकार देखेंगे अपन। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट।
दूसरा आता है आपका अति मंद अभिक्रिया है, अति मंद अभिक्रिया है, वेरी स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मतलब वर्षों का समय लग जाता है, या जिनके पूर्ण होने में लगने वाला समय निश्चित नहीं है, या जिनके पूरा होने में लगने वाला समय क्या है, निश्चित नहीं है, वर्षों का समय लग जाता है, उनका वेग हम मेजर नहीं कर सकते, उनमें जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का पता ही नहीं लगता। जैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया इतनी धीमी गति से होती है, मंद गति से होती है, कि इन ये किस प्रकार से हो रही है इसका हमें पता ही नहीं लगता, कब संपन्न हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो इनमें होने वाले परिवर्तनों के परिवर्तन जो प्रेक्षण योग्य नहीं होते, इनमें होने वाले परिवर्तन जो प्रेक्षण योग्य नहीं होते, हम इनको प्रेक्षित नहीं कर सकते, परिवर्तनों को देख नहीं सकते, ठीक है ना। या भाई जीवाश्मीय ईंधन का बनना, कोयले का, पेट्रोल, कोयला और पेट्रोलियम का बनना, भाई पेड़ पौधों से बने, जानवरों से बने, जीवाश्मों से, तो ये परिवर्तन इतनी धीमी गति से हुआ है, इनमें लाखों वर्षों लग गए, लाखों वर्ष, मिलियन ईयर, लाखों वर्ष लग गए इनको कंप्लीट होने में, ठीक है ना। तो इनमें परिवर्तन बहुत मंद गति से हुआ है, बहुत वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है भाई। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय पर वर्षों का टाइम लग जाता है, लगता है, सॉरी, बहुत अधिक समय लगता है, और इनमें होने वाले परिवर्तन और उनमें होने वाले परिवर्तन प्रेक्षण योग्य नहीं होते, प्रेक्षण योग्य नहीं होते। अति मंद अभिक्रिया कहलाती है, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भैया, जैसे जैसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन व O2 की क्रिया, ये बहुत धीमी गति से होती है, या और उदाहरण देखें हम जैव ईंधन का बनना, जैव ईंधन कौन कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम का बनना, या कार्बन से हीरे का, कार्बन से हीरे या ग्रेफाइट का बनना, अपर रूपों का जो निर्माण होता है, ये भी बहुत मंद अभिक्रिया है, अपर रूपों का निर्माण वर्षों का समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। या जो नाभिकीय विघटन की अभिक्रियाएं होती हैं, भाई प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने आप विघटित होते हैं,
तो नाभिकीय विघटन उसको बोलते हैं नाभिकीय विघटन, नाभिकीय विघटन की अभिक्रिया है। नाभिकीय विघटन की अभिक्रिया है ये सब क्या है, अतिमंद अभिक्रिया है। ठीक है भाई, तो फास्ट रिएक्शन हो गई, अतिमंद अभिक्रिया। देखो फास्ट रिएक्शन के भी परिवर्तनों को अपन नहीं देख सकते क्योंकि वो इतनी तेज हो रहे हैं कि हम उनको प्रेक्षित ही नहीं कर सकते। अतिमंद अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रेक्षित नहीं कर सकते। आप बैठ जाओ साहब नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके, बैठे रहो, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, तीन दिन निकल गए, चार दिन निकल गए, पता ही नहीं लगता कब अभिक्रिया हो जाती है। महीने दो महीने बाद कोई थोड़ी सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं आपको, N2O मिलता है या NO2 मिलता है, कब हो जाती है वो अभिक्रिया पता ही नहीं लगता। तो इनमें होने वाले परिवर्तनों को भी प्रेक्षित नहीं कर सकते, तीव्र अभिक्रियाओं के परिवर्तनों को भी प्रेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब आता है तीसरा प्रकार, तीसरा है मध्यम वेग या मंद अभिक्रिया है। मध्यम वेग वाली या मंद अभिक्रिया है क्या है, वे अभिक्रिया है जिनको पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। अब निश्चित समय कुछ सेकंड का हो सकता है, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन, पर वो निश्चित है समय कि भाई 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, 1 घंटे में कंप्लीट होगी, 2 घंटे में पूर्ण हो जाएगी, 10 दिन में पूर्ण हो जाएगी, जो भी है निश्चित। तो इनमें होने वाले जो परिवर्तन क्या होते हैं वो प्रेक्षण योग्य होते हैं। इनमें होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, प्रेक्षण योग्य होते हैं। तो वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, अर्थात ये कुछ सेकंड कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, क्या कहलाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। और ये सामान्यतः आणविक प्रकृति की होती है। कैसी होती है, आणविक सहसंयोजक प्रकृति की अभिक्रिया, इनके उदाहरण क्या है, आणविक अभिक्रिया है, आणविक अभिक्रिया है। ये तीनों के क्या हो गए, तीनों प्रकार के अभिक्रियाएं हो गई, फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। अब इनमें से इन्हीं अभिक्रियाओं के वेगों का हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बल गतिकी में, केवल मध्यम वेग या मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी नोट कर लो, रासायनिक बल गतिकी में, रासायनिक बल गतिकी में केवल मंद गति या मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते,
अगर कोई पूछता है कि रासायनिक बलगतिकी में हम तीव्र अभिक्रिया और अतिमंद अभिक्रियाओं का अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें होने वाले परिवर्तन प्रेक्षण योग्य नहीं होते, तो हमको पता ही नहीं लगेगा अभिक्रिया कब पूर्ण हो गई है, कब कोई चेंज हुआ है। इनमें होने वाले परिवर्तन पता लग जाते हैं, इसलिए हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऐसी ही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ये आपका आज का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए किसके आधार पर, गति के आधार पर, तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और कैसी अभिक्रिया, मध्यम वेग या मंद अभिक्रिया। अगली क्लास में हम अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन देखेंगे और क्रिया कारक व उत्पादों के सांद्रता आलेख देखेंगे और अभिक्रिया के वेग के प्रकार देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। ये सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।